मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की तहसील गाडरवारा में एक अनोखा रक्तदान से जुड़ा हुआ वाक्या आज सुर्खियों में है। एक माह पूर्व अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाले दंपत्ति ने वरमाला स्टेज पर ही रक्तदान के प्रति अनोखा इतिहास रच दिया था, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के सुनहरे पन्नों में दर्ज किया गया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रति वर्ष देश के जाने माने व्यक्तियों, संगठनों, संस्थाओं की विशेष उपलब्धियों को आकलन करने के बाद उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होता है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अनूठा काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स को दर्ज करने वाली देश की एकमात्र सबसे बड़ी प्रतिष्ठित किताब है और इस बुक में देश की सबसे प्रेरणादायी शादी का रिकॉर्ड अब आशीष और खुशबू ने अपने नाम कर लिया है। गौरतलब है कि एक माह पूर्व अपने दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ आशीष राय और खुशबू राय ने जयमाला के समय ही शादी पंडाल में रक्तदान करते हुए एक अद्भुत मिसाल पेश की है। आशीष राय श्री साईं श्रद्धा सेवा समिति के माध्यम से समाज सेवा में विगत 12 साल से समर्पित होकर कार्य करते आ रहे हैं, साथ ही 18 बार खुद रक्तदान कर चुके हैं और उन्होंने सोचा कि अपने जीवन साथी के साथ समाज सेवा के पथ पर आगे बढ़ाया जाए और यही आग्रह जब उन्होंने अपनी होने वाली जीवन संगनी खुशबू के सामने रखा तो खुशबू ने भी इस नेक काम को करने में मना नहीं किया। बकायदा शादी पंडाल के स्टेज पर ही जिला शासकीय अस्पताल की टीम ने दोनों का एक साथ रक्तदान प्राप्त किया। वहीं आशीष और खुशबू का कहना है कि रक्तदान की जागरूकता में हमारा यह महज एक प्रयास है, हमने सोचा भी नहीं था कि इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाएगा, यह वास्तव में ईश्वर की असीम कृपा का फल है। साथ ही हम सभी से अपील भी करते हैं कि लोग रक्तदान को अपने जीवन में उतारें, अपनी खुशियों के पलों में किसी जरूरतमंद के लिए रक्तदान जरूर करें ताकि किसी की जान बचाई जा सके। साईं श्रद्धा सेवा समिति के माध्यम से विगत 10 वर्षों से रक्तदान की जागरूकता के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब स्वयं के जीवन की बात आई तो मैंने अपने दाम्पत्य जीवन का शुभारम्भ रक्तदान से किया और शादी के स्टेज पंडाल पर ही मैंने रक्तदान अपनी जीवन संगनी के साथ किया। तब हम लोगों ने नहीं सोचा था कि यह रक्तदान इस सुर्खियों में आएगा कि यह इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा और साथ ईश्वर का मैं आभारी हूँ जिनकी कृपा से इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। साथ ही साथ मैं रक्तदान की मुहिम के लिए सभी लोगों से जागरूकता की अपील भी करता हूँ कि वह भी आगे आए और रक्तदान के मुहिम में अपने सुखद क्षणों में जो जिस तरीके से वह जुड़ना चाहें रक्तदान अवश्य करें, ऐसी मेरी कामना है। के द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास था जो लोगों को प्रेरित करने के लिए किया गया था। जैसे कि मेरे पति साईं श्रद्धा सेवा समिति के माध्यम से कई बार रक्तदान कर चुके हैं, कई बार शिविर लगा चुके हैं, लेकिन यह मौका मुझे पहली बार मिला जो मैंने मेरे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत में किया। तो उस टाइम कभी नहीं सोचा था कि यह छोटा सा प्रयास इतने बड़े इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि वह इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हम लोगों का नाम दर्ज होगा। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के गाडरवारा से सुमित दुबे की रिपोर्ट।